नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन में खोए हुए या छुपाए हुए गुप्त धन की खोज करने के लिए दो वैदिक मंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। सामान्य रूप से इन संस्कृत वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल काल सर्पदोष निवारण के लिए किया जाता है, परंतु इस वीडियो में हमने सर्पों की गतिविधियों पर ध्यान रखकर गुप्त धन खोजने के लिए इन मंत्रों का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में बताए हुए दोनों मंत्र प्रयोगों का फल एक ही जैसा है और दोनों मंत्र प्रयोगों में से किसी एक का इस्तेमाल करना उचित होगा। पहला मंत्र प्रयोग इस प्रकार से है। जिस जगह पर गुप्त धन या खोया हुआ धन होने की संभावना है, उस जगह के नज़दीक एक सांप का बिल या जहां सांप वास करता है उस जगह पर एक हवन करना है और हवन को घी और दूध की 1000 बार आहुति देते वक्त आगे बताए हुए मंत्र का जाप करना है। मैं आपको यह मंत्र दो बार सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वीम् अनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यं सर्पेभ्यो नमः। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वीम् अनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यं सर्पेभ्यो नमः। दूसरा मंत्र प्रयोग इस प्रकार से है। इसमें और पहले मंत्र प्रयोग में काफ़ी समानता है। दोनों में फर्क यह है कि जब आप एक सांप को अपने बिल में प्रवेश करते हुए देखोगे, तब आपको उस बिल के नज़दीक हवन करना है और उस हवन को घी की 1000 बार आहुतियाँ देकर हर समय आहुति देते वक्त आगे बताए हुए मंत्र का जाप करना है। मैं आपको यह मंत्र दो बार सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। या इशवो या तु धनाना ये वा वनस्पतीनाम ये वा वटेषु शरते तेभ्यं सर्पेभ्यो नमः। या इशवो या तु धनाना ये वा वनस्पतीनाम ये वा वटेषु शरते तेभ्यं सर्पेभ्यो नमः। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।